दोस्तों, आज की ये कहानी है जुड़वा बहने निशा और मीशा की। निशा थी एक मार्शल आर्ट्स की चैंपियन। वो मार्शल आर्ट्स में इतनी एक्सपर्ट थी कि उसकी बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स भी थे। उसे एक ही जगह बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। निशा को हर वक्त बाहर जाना था और मस्ती करना था। उसे अपने प्राइजेस और मेडल से बहुत प्यार थी। और दूसरी ओर थी निशा की बहन मीशा। मीशा और निशा नाम के लिए जुड़वा बहने जरूर थे, लेकिन स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। मीशा को हर वक्त पढ़ाई में दिलचस्पी थी। वो बस दिन पे दिन बैठ के पढ़ती थी। उसे बाहर जाना, मस्ती करना और फिजिकल एक्सरसाइज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर वो थी अपनी क्लास की टॉपर और उसे इसी बात से बहुत खुशी मिलती थी। ये दोनों बहनें जब छोटे थे तो हमेशा मिलके खेलते थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर जैसे जैसे बड़े हो गए, दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि दोनों को अलग अलग चीजों में दिलचस्पी थी। हे मीशा, सुनो तो, चलना जाके मूवी देखते हैं। अरे वानिशा, मुझे भी देखनी है मूवी। तो फिर ठीक है, बढ़िया सी एक्शन मूवी चल रही है थिएटर में, उसे देखने चले। अरे नहीं नहीं निशा, वो वाली नहीं, मुझे तो वो राजा महाराजा वाली मूवी देखनी है, सुना है कि बहुत अच्छी है। ईश मीशा, वो क्यों देखनी है तुम्हें? मैंने तो सुना है कि वो बकवास है बिल्कुल। वो एक्शन वाली मूवी तो एकदम हिट मूवी है। अरे निशा, हिट हो कि नहीं क्या फर्क पड़ती है? कम से कम राजा महाराजा देखने से हमारी हिस्ट्री क्लास में मदद तो हो जाएगी ना। ओहो मीशा, तुझे तो हर वक्त पढ़ाई सोचती है। हाँ हाँ, और क्यों ना सोचे, तुम्हें भी सोचना चाहिए पढ़ाई। पढ़ेंगे तभी तो हमारे फ्यूचर सिक्योर होगी ना निशा, वरना मूवीज वगैरह देख के हमें क्या मिलेगा। ओहो मीशा, तुमसे बहस करना तो बेकार है, मैं किसी और फ्रेंड को ढूंढ लूंगी और एक्शन मूवी देखने जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं तो ऑनलाइन पे राजा महाराजा ही देखूंगी। निशा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ रही हूँ? अरे मीशा, तुम तो हर वक्त पढ़ाई करती हो। अरे हर वक्त की बात अलग है, कल तो एग्जाम है, याद नहीं तुम्हें? क्या कल एग्जाम है? अब आई ना दिमाग ठिकाने पे। अरे अरे कल एग्जाम है तो क्या हुआ, मैंने तो पूरी पढ़ ली। अच्छा, हाँ हाँ मीशा, मैंने तो पूरी पढ़ ली। तो फिर बताओ कि a plus b whole square क्या है? a plus b वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। कैसे बताओगी निशा, तुम्हें पता ही नहीं है? अरे मुझे पता है मीशा, लेकिन मुझे तुम्हें नहीं बताना, समझ गई? चल चल निशा, जल्दी जाके देख ले टेक्सटबुक में, वरना फंस जाओगे कल। अच्छा अच्छा, तुम पढ़ाई करो मीशा, ज्यादा मत बताओ मुझे, ओके? भगवान, अभी भी पढ़ने को इतना सारा है, पता नहीं कब खत्म होगी ये वाली चैप्टर। रात की 12 भी बज गए अब तो। अरे मीशा, अब तो लाइट बंद कर, मेरी कल मार्शल आर्ट्स की टूर्नामेंट है, मुझे सोना है। बस थोड़ी और है इस चैप्टर में, रुक मीशा। मीशा, कल अगर टूर्नामेंट में हार गए ना तो वो तुम्हारी वजह से होगी। अरे कोई बात नहीं निशा, तेरी टूर्नामेंट्स तो हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन ये चैप्टर अभी पूरी करना बहुत जरूरी है निशा, वरना कल मैम क्वेश्चंस पूछेगी। और ये टूर्नामेंट्स तो तेरी बाएं हाथ का खेल है ना निशा, क्या फर्क पड़ता है? निशा, एक दिन निशा और मीशा कॉलेज जा रहे थे कि तभी अरे निशा, तुमने कुछ सुनी? हाँ, वहां से कुछ आवाज आ रही है। ओ
नो, वो क्या आवाज है? चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो मीशा, शायद वो वाली गली से आ रही है। अरे ये तो हमारी सहेली अमृता है। ओ नो मीशा, वो दो गुंडे क्या कर रहे हैं? लगता है कि वो किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं अमृता को। बाप रे, इतने तगड़े चौड़े लग रहे हैं वो गुंडे तो। अरे चिंता मत कर मीशा, मैं जाके टोक दूंगी उन दोनों को। जानती हो ना मुझे मार्शल आर्ट्स आती है। निशा मत जाओ तुम उनके सामने, वो तो दो ताकतवर गुंडे हैं और तुम बस एक। सबसे पहले तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा ओके ओके, चलो जल्दी कॉल कर लो। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो, मैं रामपुर पुलिस स्टेशन की डीसीपी मीना बोल रही हूँ। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? क्या आपकी सहेली को अगवा कर रहे हैं? कौन लोग, कहाँ पर? अच्छा ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं वहां पे। आप प्लीज गुंडों से दूर रहिए और उनके नजर के सामने मत आइए, वरना आपको भी खतरा हो सकता है। ओके, हम जल्दी पहुंचते हैं। ड्राइवर गाड़ी निकालो, पास की गली में लड़की की अगवा हो रही है, जल्दी पहुंचना है हमें। इंस्पेक्टर ने क्या कहा मीशा? उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाएंगे और हमें गुंडों से दूर रहने के लिए कहा उन्होंने। अच्छा ठीक है, ये पेड़ के पीछे से ही देखते हैं। हाँ हाँ सही कहा तुमने। अरे चुप कर लड़की, और ज्यादा हिलना मत, भागने की कोशिश मत कर। क्यों अपनी ताकत बेकार कर रही है? यहाँ पे कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें। अरे बॉस की कॉल है, पता नहीं क्या बात है। हेलो, हाँ बोलो बॉस। क्या पुलिस को पता चल गया हमारी प्लान के बारे में? जल्दी पहुंचने वाले भी है। अरे हमें क्या पता कैसे खबर हो गई पुलिस को। ओके हम जल्दी लड़की के साथ यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं पुलिस को कैसे खबर हो गए, वो बस पहुंच रहे हैं यहाँ पे। हमें जल्दी लड़की को ले भागना है यहाँ से। हाँ उनको कैसे खबर हो गए? ठीक है तो मैं लड़की को पकड़ता हूँ। तुम जाकर गाड़ी तैयार करो जल्दी। हाँ हाँ जाता हूँ। अरे बाप रे, इन्हें कैसे पता चल गए कि पुलिस को खबर हो गए, और ये लोग तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जाके टोक सकती हूँ ना मैं इन्हें। निशा निशा तो जल्दबाजी मत कर, मुझे कुछ सोचने दे, रुक। अच्छा ठीक है पर जल्दी कर, वरना वो निकल जाएंगे यहाँ से। मुझे आ गया आइडिया। क्या है? रुको अभी बताने की टाइम नहीं है, गुंडे निकल जाएंगे पुलिस के हाथ से। वो देखो निशा, शायद वही है गुंडों की कार। यहाँ आसपास और कोई गाड़ी तो है नहीं, तो यही होगा। अरे क्या कर रहे हैं मीशा, मत जा, तुम दिख जाओगे। चिंता मत कर निशा, मैं बस अभी आई यहाँ, मुझसे कहा छुपने के लिए और खुद ही चली गई, कहीं गुंडे देख ना ले। हाँ ये बन गया काम। क्या किया तुमने मीशा? मैंने सारे टायर को पंक्चर कर दी। अरे बहुत अच्छा किया। बढ़िया आइडिया है मीशा, मुझे तो ये सूझी ही नहीं। हाँ मैं जल्दी जाके गाड़ी चेक करता हूँ। अरे अरे क्या हो गया बड़े मियाँ? अरे छोटे मियाँ, गाड़ी की टायर तो पंक्चर हो गए, आप क्या करें? अरे कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ अब पकड़े जाएंगे ये दोनों गुंडे। हाँ सही कहा है निशा, अमृता बच जाएगी। अच्छा तुम दोनों के वजह से पुलिस को खबर हो गई। हमें छोड़ दो, सॉरी वी आर वेरी सॉरी। और हमारे गाड़ी के पंक्चर भी तुमने किया, तुम दोनों की तो खैर रहे आज। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे हाथ दुख रहे हैं, छोड़ो।
अबे छोड़ मेरी बहन के हाथ, तू पहले मुझे हाथ लगा के देख। मुझे मारने की जरूरत की तुमने? अरे ये लड़की है कि तूफान, अब हाथ लगा के दिखा नालायक कहीं का। लड़की को हाथ लगाता है? आज तो गया तू काम से। हाँ निशा मार उसे, बहुत मार। अरे नहीं, बड़े मियाँ को तो अटैक कर रहे हैं, मुझे जाकर उसकी मदद करना चाहिए, पर लड़की को छोड़ के कैसे जाऊं? ये ले और ये भी ले, कुत्ता नालायक। अरे बहन बहन प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दो। अरे नहीं पुलिस आ गई। चल भाग ले छोटी मियाँ। अरे कोई मुझे बचाओ इस पागल लड़की से। अरे छोटी मियाँ तो आ गई, बचाओ मुझे। सॉरी दोस्त, पुलिस पकड़ लेगी मुझे, मुझे जल्दी भागना होगा, बुरा ना मान मेरे भाई। अरे रुक तो छोटी मियाँ, बचाओ। नहीं छोटी मियाँ मुझे छोड़ के बच जाओ। ओ नो, दूसरा गुंडा भाग रहा है। रुक, है बकवास, मेरा तो सर चकरा गया। चिंता मत कर लड़कियाँ, मैंने पकड़ ली है इसे। अरे इंस्पेक्टर आप आ गए, आ जाओ अमृता। मैं तो बहुत डर गई थी, निशा और मीशा की वजह से मैं बच गई इंस्पेक्टर, वरना मैं तो गई थी आज। तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, और ये दोनों गुंडे जेल में सड़ेंगे। और ये दूसरे गुंडे की ये हालत किसने की है? जी मैंने की है इंस्पेक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, ताकतवर लड़कियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी इंस्पेक्टर, मैं मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट हूँ, और मुझे भी आपकी तरह पुलिस बनना है फ्यूचर में, लेकिन सारा काम मैंने अकेले नहीं की। ये गुंडों को भागने से रोकना तो मेरी दीदी की आइडिया थी, मीशा ने उनकी गाड़ी की टायर्स पंचर की और इसलिए गुंडे निकल नहीं पाए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत समझदारी वाली बात की है तुमने। सच में तुम दोनों बहनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में दिमाग और बल दोनों की होना बहुत जरूरी है। बेटा पुलिस बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग की भी बहुत जरूरी है। अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर बनोगे एक दिन पुलिस ऑफिसर। और तुम बेटा, तुम चाहे जो भी करना चाहो बड़े होकर, लेकिन शरीर को ताकतवर बनाना भी बहुत जरूरी है, तभी तो कोई भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं हम। जी हाँ इंस्पेक्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ हाँ ऑफिसर। और तुम बेटा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और मुझे इस किडनैपिंग की सारी डिटेल्स दो। जी जी जरूर ऑफिसर। सच में निशा निशा नहीं आती तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती अब। निशा निशा थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। पता नहीं सकती मैं इतनी आभारी हूँ तुम दोनों की। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी तुम दोनों जैसी सहेलियाँ हैं। अरे अमृता तुम हमारी सहेली नहीं होती तो फिर भी बचा देते हम। वहाँ तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है निशा मीशा, तुम दोनों साथ हो तो कोई ताकत तुम दोनों को नहीं हरा सकती। अरे ये तो हमने सोची नहीं है ना मीशा। हाँ निशा सही कहा, अगर तुम मुझे थोड़ी सी मार्शल आर्ट सिखा दो और मैं तुझे पढ़ाई सिखा दूं, तो हम दोनों और भी ताकतवर हो जाएंगे। सही कहा लड़कियाँ तुम दोनों ने। चलो इन दोनों गुंडों को अब सबक सिखाने की वक्त हो गए, मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ। तुम दोनों कभी आके पुलिस स्टेशन में मुझे जरूर मिलना। जी जरूर आएंगे डीसीपी मैम। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग द डे। अरे ये तो मेरी ड्यूटी है, और मेरी ड्यूटी करके मुझे बहुत खुशी हुई लड़कियाँ। तो याद रहे लड़कियाँ, दिमाग की शक्ति और शरीर की शक्ति दोनों ही बहुत जरूरी है, एक के बिना दूसरी अधूरी है। तो बस उसके बाद निशा और मीशा की लड़ाई बंद हो गए और दोनों पक्के वाली सहेलियां बन गए फिर से। तो फ्रेंड्स प्लीज, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।